दोस्तों आज मैंने टोटल 4 ट्रेड लिए थे स्केल्पिंग के। उनमें से 2 में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ और 2 में मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो उन्हीं चारों ट्रेड को देखेंगे कि उनके पीछे क्या एनालाइज था, क्या लॉजिक था, और जब मेरा लॉस हुआ तो वहाँ पर मेरे कितने पॉइंट गए, और जब मेरा ट्रेड चला तो वहाँ से मैं कितने पॉइंट कैप्चर कर पाया। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको वो 2 ट्रेड दिखाऊंगा जिसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, उनके बाद वो 2 ट्रेड देखेंगे जहाँ पर मुझे टारगेट मिला है। इन 4 ट्रेड में एक ट्रेड मैंने निफ्टी 50 में लिया था और 3 ट्रेड लिए थे मैंने बैंक निफ्टी में। ये निफ्टी 50 का 1 मिनट का चार्ट है जहां पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। मैं हमेशा एंट्री एग्जिट स्केल्पिंग में 1 मिनट पर लेता हूं, पर उसका एनालिसिस 5 मिनट और 15 मिनट पर भी करता हूँ। यानी कि 5 मिनट और 15 मिनट को देखे बिना मैं सिर्फ 1 मिनट पे रिलाई नहीं करता। अब यहाँ पर आप देखिए, ये निफ्टी 50 का यहाँ पर डे हाई था। जैसे ही ये डे हाई यहाँ से निकला था, मार्केट इसके ऊपर जा रही थी, यहाँ पर मेरी कोई कॉल में एंट्री नहीं थी, पर यहाँ से डे हाई निकला और फिर यहाँ से ये बुल ट्रैप बना के नीचे आने लगा। यानी कि आपको ये रेड कैंडल दिख रही होगी बड़ी सी, ये रेड कैंडल बना के मार्केट नीचे आने लगा। तो मेरा व्यू ये था कि यहाँ से बुल ट्रैप बना के मार्केट को नीचे आ जाना चाहिए, और यहाँ पर एक बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न भी बनी थी। तो इसके बाद जैसे ही इसका लो क्रॉस हुआ, यहाँ पर मैंने एंट्री ले ली थी, क्योंकि 5 मिनट की कैंडल में भी वहाँ पर रिजेक्शन मिल रहा था। तो मेरा व्यू यही था कि यहाँ पर ये 1 मिनट में बुल ट्रैप बना के यहाँ तक नीचे तक इसे आ जाना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर एंट्री ले ली। देखिए यहाँ पर ये जो सारा सीन हुआ ना, ये सारी चीज़ें हुई ना, ये सेम सारी चीज़ें मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से ट्रेंड लाइन के निकलने के बाद इसे यहाँ तक आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने एंट्री ले ली थी इस कैंडल पर और ये मेरा स्टॉप लॉस था। यहाँ पर इस लेवल से इसे रिजेक्शन मिला और 5 मिनट की कैंडल में भी रिजेक्शन मिलना शुरू हो गया और ये यहाँ से तुरंत इमीडिएटली ऊपर की तरफ निकल गया और यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और इस निफ्टी 50 के पुट में मेरा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया। देखिए यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट किया, मार्केट को रिस्पेक्ट किया, यहाँ पर मार्केट ने मुझे गलत साबित कर दिया। यहाँ पर मैं निकल गया 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस देकर। यहाँ पर मैं होल्ड करके बैठा नहीं रहा इस उम्मीद में कि मार्केट फिर से नीचे आएगा। तो एक बात को हमेशा ध्यान रखिए, जब भी मार्केट आपको गलत साबित कर देता है, मार्केट के साथ लड़िए मत, वहां पर अपने ईगो पर मत आ जाइए कि मेरा एनालाइज था तो ये तो होना ही चाहिए। मार्केट आपको गलत साबित करती है, गलत साबित होने के बाद तुरंत ही वहां से एग्जिट कर दीजिए। अब देखते हैं बैंक निफ्टी के वो 3 ट्रेड जहां पर एक में मेरा लॉस हुआ था और 2 में मुझे प्रॉफिट हुआ था। वहां पर जिसमें मुझे लॉस हुआ था वहां पर आप देखना मेरे कितने पॉइंट गए, और जब मेरा ट्रेड चला तो तब मैं वहां से कितने पॉइंट कैप्चर कर पाया था। अब यहाँ पर देखिए, ये बैंक निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट है और इसी चार्ट में मैंने 3 ट्रेड लिए थे। अब उसके पीछे का लॉजिक और एनालाइज देखते हैं। तो पहले तो लॉस वाला ट्रेड देखते हैं कि जहाँ पर मेरा लॉस हुआ था। देखिए यहाँ पर मैंने एंट्री ली थी ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पर और ये मेरा स्टॉप लॉस था। फिर उसके बाद ये ट्रेड चला, ये यहाँ तक नीचे आया, यहाँ पर ये टारगेट अचीव भी हुआ, पर ये बहुत ही मतलब फास्ट तरीके से तुरंत ही ऊपर की तरफ चला गया। यहाँ पर मुझे कोई प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका ही नहीं मिला और ये बार बार इस ट्रेंड लाइन पर आ रहा था। ये ट्रेंड लाइन मैंने 5 मिनट पर ड्रॉ की थी, बार बार ये इस ट्रेंड लाइन पर आ रहा था। तो इस बार मुझे ऐसा था कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके बहुत ही फास्ट तरीके से नीचे गिर जाएगा, पर यहाँ से सपोर्ट लेकर ये ऊपर जाने लगा। यहाँ पर मुझे जो कोई भी प्रॉफिट हो रहा था वो मुझे थोड़े से लॉस में दिखने लगा, और जैसे ही इस कैंडल ने ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी, मैंने यहाँ पर इस स्टॉप लॉस के लिए वेट नहीं किया, मैंने वहां पर उस ट्रेड को कट कर दिया। क्योंकि यहां पर मैं समझ चुका था कि ये सेलर ट्रैप बन चुका है, ये बियर ट्रैप बन चुका है, तो मैंने उस ट्रेड को इमीडिएटली वहां से कट कर दिया और इस ट्रेड में मेरा सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट का ही लॉस हुआ। अब ये 2 लॉस वाले ट्रेड हो गए, अब 2 प्रॉफिट वाले ट्रेड है उसे डिस्कस करते हैं। ये जो लॉस हुआ था इस ट्रेड में जिसे हमने अभी डिस्कस किया, उससे पहले मैंने एक ट्रेड किया था जहां पर मेरा प्रॉफिट हुआ था, तो अब उसे देखते हैं। देखिए जो भी नए लोग हैं, जो बिगिनर है, वो एक बात को जरूर याद रखना, जब भी मार्केट आपको गलत साबित कर देती है वहां पर उसके सामने ईगो मत रखो, वहां पर अपने आप को सही साबित करने की कोशिश मत करो। क्योंकि जितना आप अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करोगे उतना ही मार्केट ज्यादा आपको लॉस देती जाएगी। तो आपको लगता है कि मार्केट ने आपको गलत साबित कर दिया है, उसे एक्सेप्ट करो, मार्केट को रिस्पेक्ट करो, अपने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करो और उस ट्रेड को कट करके बैठ जाओ। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर मार्केट खुलने के साथ ही यहाँ पर इसने थोड़ा कंसोलिडेट किया, एक बेस क्रिएट किया, फिर यहाँ पर इसने ब्रेकडाउन दिया और यहाँ से सपोर्ट लेकर ये फिर से ऊपर की तरफ जाने लगा। ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगा, ऊपर से 1 मिनट में एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, वहाँ से उसे रिजेक्शन मिलने लगा, वहाँ से उसे रिजेक्शन मिलने लगा, वो नीचे आने लगी। इसी चलती कैंडल के अंदर मैंने ट्रेड लिया था और यहाँ पर मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस था। उसके बाद मेरा टारगेट करीब इतना ही था कि यहाँ तक आ जाए, उसके बाद ये थोड़ा और नीचे निकलने लगा और इसी कैंडल में मैंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली। यहाँ पर रीजन ये था कि इस बेस का ब्रेकडाउन हुआ, उसके
उसके बाद फिर से इस लेवल को मार्केट टच करने गया, प्राइस ने फिर से इस लेवल को टच किया और वहीं से वो नीचे की तरफ आने लगा और ऊपर ट्रेंड लाइन भी आ रही थी और इस ट्रेड में हमें करीब 28 पॉइंट मिले। अब देखिए यहाँ पर इस ट्रेड को मैंने 9:30 को लिया था और 9:33 को मैंने इसे एग्जिट कर दिया और कुछ 223 के करीब लिया था और 250 में इसे मैंने एग्जिट किया, यानी कि 27-28 पॉइंट का इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ। अब देखते हैं फोर्थ ट्रेड को जो कि काफ़ी अच्छा चला था। हमने अभी डिस्कस किया था कि यहाँ पर मेरा एक 5 पॉइंट का एसएल हिट हुआ था, यानी कि 5 पॉइंट का मुझे यहाँ पर लॉस हुआ था। अब देखिए यहाँ पर सब लोगों के स्टॉप लॉस हो गए, जिस तरह मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस डिसाइड किया होगा मोस्ट ऑफ लोगों के स्टॉप लॉस यहीं पर हो गए, तो प्राइस यहाँ तक आई। सारे लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पर मार्केट ने ले लिए, यानी कि यहाँ पर जिन जिन लोगों ने स्टॉप लॉस लगाए होंगे उन लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गए। अब देखिए एक बात को हमेशा याद रखिए, जब भी लोगों के स्टॉप लॉस हिट होते हैं, जब भी कोई स्टॉप लॉस के पॉइंट पर मार्केट आती है और लोगों के स्टॉप लॉस हिट करती है, तो मार्केट दोनों में से एक साइड मूवमेंट करती ही है। मतलब कि हमें हम स्ट्रक्चर देखकर फिर हमें वहां पर डिसाइड करना होता है कि यहाँ पर कौन सी साइड मूवमेंट हो सकता है। यहाँ पर ये स्टॉप लॉस निकले तो या तो मार्केट ऊपर मूवमेंट करेगी या तो नीचे करेगी। यहाँ पर ऐसा बहुत ही रेयर केस में होगा कि यहाँ मार्केट साइडवेज हो जाएगी या फिर मार्केट में बिल्कुल ही कोई मूवमेंट नहीं होगा, या तो कॉल की तरफ होगा या फिर पुट की तरफ होगा। क्योंकि जहां जहां लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं, जहां जहां लोगों के स्टॉप लॉस निकलेंगे, वहां से मार्केट में एक मूवमेंट आना ही चाहिए। तो शूटिंग स्टार बनाने के बाद ये तुरंत ही एक ही कैंडल में यहाँ पर नीचे आ गई और टारगेट तक आ गई। यहाँ पर आने के बाद ये फिर से ऊपर की तरफ जाने लगी, ट्रेंड लाइन को इसने रिटेस किया, ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद फिर से ये इस लाइन के नीचे आ गए। तो यहाँ पर मैंने अगेन एंट्री बना ली इस कैंडल पर। इस कैंडल पर एंट्री बनाने के बाद यहाँ पर कुछ प्रॉफिट दिख रहा था, पर मेरा टारगेट ये था कि यहाँ तक टारगेट मिलना चाहिए और 5 मिनट की कैंडल भी इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दे चुकी थी, तो वहाँ पर एक्सपेक्टेड था कि ये थोड़ा सा अब नीचे और आ जाएगा। यहाँ पर मैंने वेट किया, ये पुल बैक किया, पुल बैक के बाद फिर से इसने कंटिन्यू किया और मेरा टारगेट ये था, यहाँ पर कहीं पर मैंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। ये सेम स्ट्राइक प्राइस का पी था जिसने मुझे 5 पॉइंट का लॉस दिया था। अब देखिए यहाँ पर अगेन मैंने 319 पर एंट्री बनाई और 376 पर उसे सेल किया, यानी कि इस ट्रेड में यहाँ पर हमें अराउंड 57 पॉइंट मिले। तो देखिए मेरे आज के 4 ट्रेड में से 2 में मुझे लॉस हुआ, 2 में मुझे प्रॉफिट हुआ। जिन 2 में लॉस हुआ, एक में मैंने 10 पॉइंट दिए, एक में मैंने 5 पॉइंट दिए, और जिन 2 में मुझे प्रॉफिट हुआ उनमें से एक में कुछ 27-28 पॉइंट मिले और दूसरे में 57 पॉइंट के करीब पॉइंट मिले। तो बैंक निफ्टी में टोटल आज हमें 85 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। तो देखिए यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, रिस्क रिवॉर्ड। आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही सही होना चाहिए। अगर आप मतलब 5 ट्रेड करते हो और पांचों में से 5-5 पॉइंट निकाल के निकल जाते हो और एक ही ट्रेड में आप 25-30 पॉइंट दे देते हो, तो वहां पर आपका कभी कुछ नहीं हो सकता। आपको अपने स्टॉप लॉस को मैनेज करके चलना है और आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड को देखना है कि जब मार्केट आपको गलत साबित करती है तो आप उसे कितना देते हो, और जब आप सही निकलते हो तो तब आप मार्केट से कितना लेते हो। देखिए जब भी ट्रेड आपका चलने लगता है उसे ट्रेल करो, आपके डायरेक्शन में जाता है, ज़्यादा आपके पास क्वांटिटी है, मतलब एक क्वांटिटी से ज़्यादा जो भी लोग वहाँ पर ट्रेड करते हैं, कुछ ना कुछ अपनी क्वांटिटी को वहाँ पर बुक किया करो। मतलब कि 10 क्वांटिटी से कोई ट्रेड कर रहा है तो हाफ क्वांटिटी को बुक करो, हाफ क्वांटिटी को ट्रेल करो, उस तरह अपने ट्रेड को, अपने विनिंग ट्रेड को आप होल्ड करके रखो, आगे जाओ। और आपके पास एक से ज़्यादा क्वांटिटी है तो आपको ये भी नहीं करना कि सारी क्वांटिटी को आप आखिर तक ले जाओ कि ये टारगेट तो आना ही चाहिए। आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग करते रहना है हर एक लेवल पर, जो जो आपको लगता है कि यहाँ से एक लेवल है, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले सकती है, ऊपर जा सकती है, यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकती है, तो वहाँ पर अपनी कुछ क्वांटिटी को आपको बुक कर लेना चाहिए, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और बाकी की क्वांटिटी को ट्रेल करना चाहिए। देखिए यहाँ पर इन सारे ट्रेड में हमने लॉजिक देखा, एनालाइज देखा कि ट्रेड लेने के पीछे का क्या एनालाइज था, क्या लॉजिक था, और यहाँ पर मैंने आपको पॉइंट ही दिखाए कि यहाँ पर मुझे कितने पॉइंट मिले। यहाँ पर मैंने आपको कोई फिगर नहीं दिखाया कि कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि मेरा प्रॉफिट कोई लाखों में नहीं होता, मतलब इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता कि उसे देखकर आप मोटिवेट हो जाओगे, तो वो मैटर नहीं करता। आपका लॉजिक, आपका एनालाइज मैटर करता है, और आप जब सही साबित होते हो तब आप क्या करते हो और आप गलत साबित होते हो तब आप क्या करते हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आगे से जब भी आप जब ट्रेड कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि आप गलत साबित हो चुके हो, तो वहां पर छोटा सा लॉस देके निकल जाओ, और जब भी आप सही साबित होते हो वहां पर अपनी पोजीशन को ट्रेल करो और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेने की ट्राई करो। देखिए ऑल ओवर यहाँ पर आपका मनी मैनेजमेंट, आपका रिस्क रिवॉर्ड ही आपको काम आएगा। हर ट्रेड में अगर आप 5 पॉइंट लेकर निकल जाओगे, आपने 5 ट्रेड ऐसे ले लिए जहां पर आपने 5-5 पॉइंट आपको मिल गए, चलो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, आपने फटाफट से 5 पॉइंट ले लिए, पर जब भी आप
आपका ट्रेड गलत जाएगा, आप वहां पर 5 पॉइंट दे नहीं पाओगे, आपके वहां पर 20-30 पॉइंट चले जाएंगे। तो हमेशा अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज कीजिए, क्योंकि ऑल ओवर यहाँ पर अगर आपको कोई भी जिता सकता है तो वो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ही है।